निकल के आराम से आराम से ठीक हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? भाई वाइनो लक्ष्य और फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमें अकेला, अल्लाह के वास्ते चले जाओ यहाँ से। एक नया ब्लॉग लेकर, आत्मा छोड़ गई शरीर पुराना, दिल दिल से हो गया बेगाना। हर सबान पे सिर्फ यही सवाल था, दीदी तेरा देवर क्यों है दीवाना? इसी मोटिवेशनल कविता के साथ शुरू करता हूँ मैं आज का ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं कानेखंडी रूट, जहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं वहाँ पे। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे, हम वहाँ पर देखेंगे कि वाटरफॉल्स कितने खूबसूरत है और आपको आगे का रिव्यू बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना अच्छे से सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन भी क्लिक, क्या बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन हकलाता है नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, ताकि आप मेरे चैनल के सारे वीडियोस देख सको। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते और चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो फिर चलिए, वेलकम टू द चैनल ऑफ आइनुल हक शेख, जो है लाखों में एक। जिंदगी करते कि हम कंटेंट क्रिएशन के नाम, लेकिन उससे पहले फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आईडी ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। लेके व्लॉग बनाने का मिशन क्रॉस कर दिया पुणे स्टेशन, पीछे छोड़ दी कोंडवा की डगर, रास्ते में आया शिवाजी नगर, पिछली गाड़ी पर से लड़की बन, आई वॉज गोइंग फ्रॉम खड़की, घड़ी मेरी आलम ने तोड़ी, जब हम पहुंचे थे दापोड़ी, रुका के साइड में अपनी गाड़ी, पिए चाय इनका सरवाड़ी, मौसम की फिर हालत निखरी, जब आने वाला था पिंपरी, ट्रैफिक ने फिर कर दी गड़बड़, जब मैं पहुंच रहा था चिंचवड़, मुझको कॉल आया फ्रॉम शिरडी, व्हेन आई वाज इन आ कुडी, शाकिर की फिर हालत बिगड़ी, उस एरिया का नाम था निगड़ी, फिर आया एक डेंजर मोड, वो भी इन द देहू रोड, और फिर भगाया मैंने गाड़ी, क्रॉस कर दिया बेगड़े वाड़ी, कंगी करके अपनी दाढ़ी, निकला मैं फ्रॉम गोरा वाड़ी, बादल ने कर दी फिर चाव, जब हम पहुंचे तल्ले गांव, शाकिर ने दिया सुझाव, यू टर्न मारते फ्रॉम वट गांव, मैंने लगाया सबको चाटा, जब हम पहुंचे काने फाटा, लगा के किस्मत पे फिर दाव, मैं फिर पहुंचा काने गांव, समझे मौसम के इशारे, देखे कुदरत के नजारे, व्यू था सामने सबसे खास, हरी भरी थी एकदम घास, हो गया मैं खुशी से पागल, जब पहाड़ पे देखा बादल, बादल थे बहुत भयंकर, पानी भरा था उनमें जमकर, वॉटरफॉल के थॉट जागे, हमने गाड़ी बढ़ाई आगे, घोड़ा चलता तुगड़ुक तुगड़ुक, पहुंचे थे हम टाकवे बुद्रुक, देख के रस्ते की हरियाली, आलम ने फिर बजाई ताली, रास्ते थे बड़े हसीन, मौसम होता गया रंगीन, वी वेर गोइंग वेरी स्लो, सिंकिंग विद नेचर इन द फ्लो, व्यूज के सारे बड़े अमेजिंग, मल्टीपल टाइम्स वी वेर अप्रेजिंग, बड़ी मस्त होती गई ये ट्रिप, देखो सारे आगे वीडियो क्लिप, पहाड़ बादल गांव और खेत, एवरीथिंग वॉज लुकिंग सो सो ग्रेट, नेचर ने क्या मजा दिया है, बुड्ढे ने ये ब्लॉग रिकॉर्ड किया है, यूट्यूब पे एक्टिव सुबह शाम, फॉलो कर लो इसे कहीं इंस्टाग्राम, ये है फोटो का शौकीन, इंस्टाग्राम ही इसकी क्वीन, इसकी आईडी किया है मेंशन, फॉलो कर लो नहीं तो होगा इसे टेंशन, हटे सारे टेंशन और लोड, पहुंचा काने खंडी रोड, पहुंचा काने खंडी रोड, पहुंचा काने खंडी रोड, आई थिंक यू डिजर्व अ सैल्यूट फ्रॉम माय साइड। ओरेगा होन तुनो उजुमाकी नारुतो। कुछ दो घंटे के सफर के बाद हम पहुंचे हमारे पहले वाटरफॉल की तरफ, वाटरफॉल की तरफ तो पहुंच गए, लेकिन हम ये रास्ता ढूंढ रहे थे कि जाएंगे किस तरफ से उस वाटरफॉल को देखने के लिए। तो नजर अब तो एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद था, सिर्फ उतरने की देरी थी गाड़ी पर से और वाटरफॉल का एंट्री ढूंढने की जरूरत थी, तो हम उसी तरफ जा रहे थे। तो इस ट्रिप में मुझे ज्यादा से ज्यादा जो सीन्स देखने मिले काफी ज्यादा फोटोजेनिक थे, तो मैंने सोचा हर एक सीन का मैं वीडियो बनाकर अपने इस ब्लॉग में इंक्लूड करूं, इस वजह से मैंने ज्यादा से ज्यादा सीन के वीडियो लिए। तो अभी फिलहाल हम हमारे पहले वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे दो दोस्त हमारे साथ खड़े, दो नमूने, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, और ये मेरे पीछे यहाँ पर कितनी अच्छी पैडी फील्ड है, इतना अच्छा नजारा है यार।
वर्थ इट, एकदम वर्थ इट। मैं तो बोलता हूँ कि क्राउडेड भी नहीं है फिलहाल, सिंगल हम लोग एकदम सुबह सुबह निकले, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्राउड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप देर करेंगे तो हो सकता है क्राउड बढ़ सके, तो जल्दी आए। ऐसे सीनिक एनवायरनमेंट में फोटो खींचना जरूरी बात बन गई थी, तो हमने कुछ फोटोज ले लिए। अभी हम बढ़ चले हैं हमारे पहले वाटरफॉल की तरफ, देख सकते हैं रास्ते में कितना फिसलन भरा है, कीचड़, और इसी कीचड़ में सर से लेकर पैर तक यह बंदा सफेद कपड़े पहन के आया है, इसकी अकल की दाद देनी पड़ेगी। समझदार बंदे, जरा पीछे मुड़ के देखो 2 मिनट के लिए, बहुत खूब। हाँ, और ये हमारे शाह आलम भाई है, इनको कैमरा में आने का बहुत शौक है। अच्छा ये बताओ, तुम तीनों में से कैमरा में आने का शौक सबसे ज्यादा किसको है? मैं बहुत अच्छे से कैमरा में आ जाता हूँ, ये बिल्कुल नहीं आता। तो इनको जरूर देखना मेरे व्लॉग में, अगर मैं नहीं दिखा तो चल जाएगा। इसमें चप्पल वसूल हो गई भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही जबरदस्त चप्पल है शाकिर भाई की, 310 रुपए की है। वाह वाह, क्या झरना दिख रहा है यार, बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत ही शानदार है। व्लॉग बना मेरी चप्पल पे मत जा। ये शाकिर भाई अपनी चप्पल दिखाओ जरा। ओहो, ये है 310 रुपए की चप्पल, क्रॉक्स का डुप्लीकेट फ्रॉक्स। ओह क्या माशाल्लाह नजारा है मेरे आंखों के सामने, वाह 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 वाह, बहुत ही बेहतरीन, बहुत उम्दा, बहुत ही जबरदस्त है। अभी मैं इस वाटरफॉल में भीगने वाला हूँ। यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बिताएंगे और 10 मिनट के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। हर एक वाटरफॉल में भीगने वाला हूँ मैं यहाँ पे, हर एक वाटरफॉल में। तो ये हो गया हमारा यहाँ का पहला वाटरफॉल, बहुत आराम आराम से उतर रहे हम लोग। लाल मट्टी है, बहुत ही फिसलन भरी है, इसलिए आराम आराम से उतरना अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो। अनएक्सप्लोर्ड जगह जो है दिखाने का एक खतरा, और बोलते ना रिस्क ये होता है कि उसको पूरा एक्सप्लोइट कर दिया जाता है, गंदगी हो जाती है वहाँ। एग्जैक्टली, बात तो सही है। तो इस वजह से अगर आप लोग आएंगे अगर मेरा ब्लॉग देख के, तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज यहाँ पर गंदगी ना करें। ये देखो बड़ा पना करके ऑफ रोड गाड़ी है बोल के होशियारी मारने का, मेरी गाड़ी पुरानी, मेरी गाड़ी CBAC एक्सट्रीम। बाप रे, ऑफ रोडिंग करने के चक्कर में गाड़ी अटक गई। क्या क्या बोल रहा था रे थोड़ी देर पहले, हाँ बुड्ढा। रुको, यहाँ से निकालने दे। आ जा, एक खेत में जाता है खेत में। कितना मजा आता है जब आपको सताने वाला कोई इस तरह मुसीबत में फंसता है। उशाला सुब्रे बुढ़े। Just few second back he humiliated me. I felt so much embarrassment. I was humiliated few seconds ago. Now watch how the karma works. This is instant karma. बच्चा साइकिल सीखता जब कैसी उसकी हालत होती वैसी हालत हो गई इसकी। अभी पीछे से पकड़ो बोल रहा मंगर। हाँ? मजे ले रहे तुम। ये देखो जब इंसान चढ़ाई पे चढ़ता ना सब तारीफ करते, जब नीचे उतर रहा होता ना तो ऐसी कॉमेडी करते। अभी जब अनुल ने वहां गाड़ी लगाया था तो बोला, अनुल ने बोला कि देखो मैंने गाड़ी चढ़ा दिया। अरे वाह, तुमने चक्के देखे क्या पीछे कितने मोटे हैं, बोले इसलिए चढ़ गया बोले। और उतरने टाइम पे उतर नहीं रहा तो मजाक बना रहे ये लोग। ओरे वा उच्चा सास्के, आंता ताचे होकागे नी किताई कोतो गा। अब हमारे दूसरे वाटरफॉल के तरफ जा रहे हैं हम लोग। हमारे पहले वाटरफॉल में भीगने के बाद हम लोग तलाश में थे हमारे सेकंड वाटरफॉल की, और रास्ते में हमें मिला जगताप वाटरफॉल, लेकिन यहाँ पर एंट्री फीस है, इस वजह से हमने हमारा जो है इरादा बदल दिया।
तो अभी फिलहाल हम लोग वो दूसरे वाटरफॉल में नहीं गए क्योंकि उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया है वाटरफॉल का, मस्त प्रॉपर्टी खरीद के एकदम है आगे जहाँ पे वाटरफॉल पे क्राउड नहीं दिखी और वहाँ पे थोड़ा क्राउड भी दिख रहा था हमको, अंदर लोगों की आवाजें बहुत आ रही थी तो हमने सोचा इसी जगह पे जाए जहाँ पर क्राउड ना हो। ओ माय गॉड, उस तरफ दिखाइए जरा कैमरा, पूरा मटमैले पानी का वाटरफॉल है, तो देखिए कितना पानी गिर रहा है वहां से, पूरा लाल मट्टी लाल मट्टी लाल। देखते हैं उस वाटरफॉल के नीचे जाके कैसा लगता है, बने रहिए मेरे साथ। ये वाटरफॉल आप मेरे सामने देख रहे हैं, पानी बहुत ज्यादा मैला है, शायद हो सकता है कि हमको इसके नीचे जो है भीगने का मौका ना मिले क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा है यहाँ। और ये हमारे हमको एक बुड्ढा दिख गया रास्ते में जिसको हम हमारे साथ बिठा रहे हैं। और रास्ते में अगर वृद्धा आश्रम दिखा या आपको पता हो तो प्लीज कॉमेंट करके बताए, मुझे छोड़ के आना। As I said earlier, लाल मट्टी है तो जरा संभाल संभाल के चलना है। वैसे मैंने चेक किया यार, मेरे चैनल पर 57% जो क्राउड है वो नॉन सब्सक्राइबर की है, तो नॉन सब्सक्राइबर्स लोगों से गुजारिश है यार, आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब भी कर दो यार, मैं पैसे तो नहीं लेता हूँ ना सब्सक्रिप्शन के। बात इंडिपेंडेंट होने का कर रहा लेकिन आवाज भिखारी जैसा निकल रहा। बट अभी हम जाने का रास्ता ढूंढ रहे, चलो इधर से ये रास्ता अपना चलते रहो। तो देखिए थोड़ा आपको ट्रैक करना है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा आपको 5 मिनट का ट्रैक है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, मैं 5 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। और ये हम पहुंच गए हमारे दूसरे वाटरफॉल की तरफ, देखिए चलो पानी के बॉटल्स छोड़ देते हैं, प्लीज ऐसा ना करें, देखिए कितने सारे प्लास्टिक रैपर्स पड़े हैं यहाँ पर, ऐसा ना करें। ये देखिए ये है हमारा दूसरा वाटरफॉल, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, ये आवाज तो काफी ज्यादा शोर कर रही है इसकी, इसमें मुझे मेरी आवाज बड़ा नहीं पड़ रही है। अब मैं जा रहा हूँ उस वाटरफॉल की तरफ उसको नजदीक से एक्सपीरियंस करने, तो मेरे साथ चलिए। पानी भले मैला ही है पर मजा बहुत आया भाई भीगने में, ठंडा बहुत है, वहाँ थोड़ा गहरा था यहाँ तक पानी का, तो अच्छा है एक्सपीरियंस तो अच्छा है, गंदा पानी है लेकिन मीठा पानी है तो इसमें इसका कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा मट मैला है बस मट्टी तो मिली हुई है। चलो फिर नेक्स्ट वाटरफॉल की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले साकिब भाई को भीगने का मौका देंगे। अरे बुड्ढे, और हम देख रहे हैं बुड्ढा किस तरह जो है संभल संभल के जा रहा है वाटरफॉल के अंदर। कभी 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 ऐसे बुड्ढों को जो है हमें नेचर के अंदर छोड़ना चाहिए ताकि उनको भी नेचर का मजा लेने मिले, तब तक बेचारे आराम कुर्सी पे पड़े पड़े जो है अपने दिन गुजारते रहेंगे। देखो ये बुड्ढा बेचारा कितना जो है मजे ले रहा है। अरे अरे बुड्ढा गिरा बुड्ढा गिरा बुड्ढा गिरा, अरे बुड्ढा गिरा बुड्ढा गिरा, देखते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। मस्त एकदम जबरदस्त, अब मैं जाऊंगा मजा आ गया। ये हमारे शाह आलम भाई, एक्शन,
ये हमारे साल लंबा है, अभी एक अटम लिया है। एक्शन आओ आओ। हमारे शालम भाई एक्शन। आगे हमको अभी कवर करने हैं, यहाँ पर हम एक एक वाटरफॉल पर ही अटक जा रहे हैं, क्योंकि जो फोटो और वीडियो निकालने की चुन मच्छी हमारे अंदर वो कम नहीं हो रही, स्पेशली शालम को। अरे भाई देखते हैं अभी ये बिहार का शाहरुख। ओह माय गॉड, बिहार का शाहरुख। अरे तो चलते हैं अगले वाटरफॉल की तरफ, स्टे ट्यून्ड। से क्या हो, सबको मालूम हो रहा बुड्ढा कौन है बोल के? ये है बुड्ढा, देखो इधर। तो ये था हमारा सेकंड वाटरफॉल, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, यहाँ देखिए ये कितना जबरदस्त वाटरफॉल है, ये है हमारा थर्ड स्पॉट इस वाटरफॉल के अंदर, तो जाके नहाना जरूरी बात है भाई। ये देखिए वो वाटरफॉल का पानी यहाँ तक आ रहा है, ये देखिए कितना सुंदर है यार, कितना जबरदस्त है। उस वाटरफॉल के अंदर जाना हमारे लिए जो है कर्तव्य का पालन करने जैसा है, तो हम उस वाटरफॉल के अंदर जरूर जाएंगे। हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है, पानी की स्पॉट ढूंढ रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों इस वक्त बरसात होना शुरू हो गई है और हमारे शालम भाई हमारे साथ अभी आ ही रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं हमारे तीसरे वाटरफॉल की तरफ। अच्छा क्लाइमेट है, थोड़ा फिसलन भरा है। वाओ, यहाँ से दो नजारा भाई, मतलब आउट ऑफ दी बॉक्स। पर फिसल रहा है मेरा, बहुत ज्यादा कीचड़ है यहाँ पे। तो ये है हमारा तीसरा वाटरफॉल। यार मेरा चश्मे पे इतना पानी है ना, मुझे सामने का मेरे मोबाइल पे क्या है वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यार जो मैं देख रहा हूँ ना, मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये मेमोरी मेरे दिमाग में छप जाए, ताकि जब मैं अकेला रहूँ तो इस मेमोरी को याद कर करके खुश होता रहूँ। बहुत ही जबरदस्त है यार। सह्याद्री जो है ना, ये महाराष्ट्र का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। बुड्ढे को हमारे फोन और इक्विपमेंट लेके हम आगे बढ़ गए। बुड्ढे ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने भी फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसमें ये ज्ञान दिया। काय का तामिनी घाट एंड काय का मालशेज घाट। नहीं भाई वो भी अच्छे है। तो ये है वाटरफॉल की तरफ जाने का रास्ता। भाई क्या जम मारा बुड्ढा, वाह। ये पत्थर ऊपर देखे सीधा उधर जाने का, एक दो चलिए। अरे बाप रे, यहाँ तो भीड़ी भीड़ है भाइयों। हम जो है वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे, क्राउड अच्छी खासी है और पानी मस्त एकदम ठंडा ठंडा है। इसके अंदर भीगना हमारा जन्म सिद्ध कर्तव्य है। अब मैं जा रहा हूँ उस वाटरफॉल में भीगने, चलिए मेरे साथ। थोड़ा मुझे पानी देखना पड़ेगा, गहरा पानी। इस क्लिप में मैं जिस तरह वाटरफॉल पर क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसकी कॉपी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपको ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस ना हो तो आप फिसल के गिर सकते हैं, गहरी इंजरीज आपको आ सकती है। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहा था, अपने पैरों से ग्रिप को टटोलते हुए आगे बढ़ रहा था। जब तक मेरे पैरों को एक कॉन्फिडेंट ग्रिप नहीं मिल रही थी, मैं आगे नहीं बढ़ा था। देखिए पानी का प्रेशर कितना है, मुझे बैठना पड़ा यहाँ पर, और इतना पानी का फोर्स था कि पूरा फिसलन भरा जो है पत्थर मैं फील कर पा रहा था, क्योंकि पत्थर पर पूरी लाल मिट्टी की एक लेयर थी और चिकनी घास थी जो पत्थर पर उगती है। देखिए पानी के बहाव से मेरी चप्पल बार बार
उसकी जो है क्या बोलते हैं वेलक्रो या जो भी हो, वो उसकी चप्पल मेरी जो है निकल के जा रही थी बार बार। तो आप सोचिए पानी का प्रेशर कितना होगा। और हमने जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लिए, हम तीन दोस्त थे, हमने एक दूसरे को सहारा देकर ऊपर की तरफ खींचा, और उतरते टाइम हमने एक दूसरे को सहारा देके एक दूसरे की बॉडी वेट को संभाल के नीचे की तरफ उतारा है। अभी मैं ऊपर नहीं जाने वाला था, लेकिन एक दूसरे का सहारा लेके हम लोग तीनों जो है ऊपर गए, और काफ़ी बेहतरीन था ये वाटरफॉल। लेकिन प्रिकॉशन को बिल्कुल नहीं भूलना है आपने, क्योंकि जहां आपकी सावधानी हटेगी दुर्घटना घटेगी। तो सावधान रहे, बचपना ना करे, केयरलेस ना रहे। ऊपर के वाटरफॉल से सामने का नजारा बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, काफी ज्यादा हरियाली। सोचा था कि बस कर दूं ये यहाँ का वीडियो, पर यार अभी यहाँ पे धूप निकल आई है, और देखिए धूप में ये वाटरफॉल क्या ऑसम लग रहा है यार। मतलब एक बारिश का अलग ही मजा है, लेकिन जब चमकते पानी को देखते ना, वो बहुत ज्यादा मजा आता है। तो ये था हमारा तीसरा वाटरफॉल। हम ये जो इस तरफ दिख रहा है पहला वाटरफॉल, वहाँ भी जाके और क्लाइंबिंग कर करके ऊपर वाले वाटरफॉल पे भी जाके, तो आपको आगे के नज़ारे और बताने हैं चौथे वाटरफॉल पे। बने रहिए मेरे साथ, लेट्स कंटिन्यू। में शालम चाय के लिए बोलेगा ही, देखते क्या है। आ, देखा 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 आया बच्चे खाने का, इधर बिगोल बोला इससे। गाड़ी चला चला के हालत चंबू हो गई मेरी, भूख लग रही मेरे को। हाईवे पे बसा खा ले, लारियां खा ले, झाड़ा खा ले, पत्थरा खा ले, मेरे को खा ले। दोस्तों हम यहाँ पर अभी खंडी काने रूट पे थे, हम लोग को रास्ते में ऐश्वर्या होटल नाम का एक होटल दिखा, और हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा नाश्ता करके जाएंगे। हमने वड़ा पाव लिया, भजिया लिया, चाय लिया, बहुत ही जबरदस्त था। और भाई का नाम क्या है? संकेत भाई, आपका होटल में खाना बहुत अच्छा मिला भाई। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप खंडे कानी रूट पर हो और वाड़ेश्वर माओ ये गाँव के पास है, तो ऐश्वर्या होटल में जरूर आए, यहाँ पे आपको अच्छा एकदम नाश्ता मिलेगा। थैंक यू वेरी मच भाई। चलिए फिर चलते हैं हम यहाँ से आगे। इस ट्रिप का अगर सबसे बेहतरीन कोई स्पॉट मुझे मिला तो वो ये स्पॉट था, जैसे कि आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे, पूरा पहाड़ जो है ये वाटरफॉल से भरा हुआ था। अगर मैं गिन के बताऊं तो यहाँ पर 7 वाटरफॉल थे इस पूरे पहाड़ पर। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जो है पूरे हरे भरे खेत थे, काफी ब्यूटीफुल स्पॉट है ये। गाड़ी बिल्कुल यहाँ संभल के चलाए, क्योंकि काफी ज्यादा नैरो रास्ते हैं, रेकलेसली गाड़ी ना चलाए। और ये काफी ज्यादा फोटोजेनिक स्पॉट होने की वजह से लोग अक्सर यहीं पर कहीं भी गाड़ी रुकाते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए राइट साइड में खेत के थोड़ा ही आगे एक तालाब था जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रहा था। इतना खूबसूरत नजारा देखने के बाद हमें दिल में किया हम यहाँ से आगे जाए बिना यहाँ वक्त को स्पेंड किए। तो ये हरे हरे खेत, ये पहाड़ और इनसे झरने बहते हुए देखकर हमारा दिल काफी ज्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, और हम इन्हें कैप्चर करने के लिए रुक गए। पहाड़ों से निकलते हुए ये सफेद झरने मानो झरने ना हो जैसे दूध का सागर हो, और ये हरे भरे खेत हवाओं के साथ जिस तरह झूम रहे थे लग रहा था जमीन लहरा रही है। हरे हरे पहाड़, सफेद सफेद झरने और हरे हरे प्यारे खेत, ये काफी खूबसूरत और दिलकश मंजर था। देखिए मेरे कितने प्यारे प्यारे वाटरफॉल्स हैं। मैं तो चाहता हूँ कि सारे के सारे वाटरफॉल्स में जाके अपने आप को बिताऊं, सारे वाटरफॉल्स में जाके बिताऊं, बट यार पॉसिबल नहीं, पॉसिबल क्यों नहीं है, दूर है, खेत में हम नहीं घुस सकते, किसी खेत से होके नहीं जा सकते, रास्ता भी नहीं है।
इस वजह से हम बहुत सारे वाटरफॉल्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे। आगे जाके देखते हैं अगर कोई वाटरफॉल ऐसा मिलता है जिसके नीचे हम थोड़ा वक्त बिता सके, तो वाटरफॉल के नीचे रुकेंगे, दो तीन और वाटरफॉल देखेंगे। मैं तो चाहता हूँ हर वाटरफॉल के नीचे बटू, पर पॉसिबल नहीं है। चलिए फिर तो दोस्तों अभी ये सब वाटरफॉल्स जो है ये बहुत से बहुत दूर है। हम लोग गांव में से कोशिश किया हमने कि इस वाटरफॉल्स को एक्सेस किया जाए, तो वाटरफॉल तक पहुंचने की कोशिश करें पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ता नहीं है, गाड़ी लगा के बहुत लंबी ट्रैकिंग हो जाएगी वो। तो हम वहाँ पे वो सारे वाटरफॉल्स पे नहीं गए। मेरे सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाटरफॉल्स दिख रहे मेरे सामने, और इस तरफ कितना कितना तालाब है देखो। वाह, अनजान जगहों पर, अनजान तालाब में जहां मटमैला पानी हो, प्लीज ना जाए, मगरमच्छ होने का खतरा हो सकता है। लोग अक्सर अनजान जगहों पर अनजान तालाब में उतरने का खतरा मोल लेते हैं, पर प्लीज ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सेफ रहे। तो कितना खूबसूरत झटके मत दो गाड़ी को। तो जैसे कि हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो इस मोबाइल में ऑटोमेटिक इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं था, इस वजह से वीडियो काफी ज्यादा शेकी है। प्लीज बर्दाश्त कर ले, इस बार सीनरी पे ध्यान दे, वीडियो की स्टेबिलिटी पे ध्यान ना दे। कितना अच्छा नजारा है, बहुत ही प्यारा। दोस्तों अभी हम रास्ते से एक वाटरफॉल देखा हमने, और लोकल्स की मदद से हम उस वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। तो यार मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ये महाराष्ट्र इतना खूबसूरत है ना, आप महाराष्ट्र को एक बार प्यार करके देखो, महाराष्ट्र आपको उससे भी ज्यादा प्यार देगा जितना आपने महाराष्ट्र को प्यार दिया। जय महाराष्ट्र। अभी देखते हैं वाटरफॉल, देखते हैं, हमारा बकवास बहुत हो गया, जो वाटरफॉल देखते हैं चलो। तो वो वाटरफॉल जो सामने दिख रहा है, अभी हम वहां जाने वाले, रास्ता इस तरफ से है, हम यहाँ पर खड़े, हमको टर्न लेके यहाँ पे जाना है, स्टे ट्यून। बहुत ही प्यारा वाटरफॉल दिख रहा है दूर से, तो ऐसा लग रहा है कि इस ब्रिज पे खड़े रहकर मैं सिर्फ वाटरफॉल देखता रहूं, लेकिन उतना टाइम अपने पास नहीं है, अपने को वो वाटरफॉल के नीचे जाके नहाने का है। दूर से तो यार बहुत प्यारा लग रहा है, चलो नीचे आके देखते। और अभी फिलहाल वो वाटरफॉल तक जाने के लिए हमें जो है प्लानिंग देखी है आप लोग, पत्थरों से सबसे पहले ट्रायल पे उठारा मेकू गिरा चिंचा तो चलेगा बोले, अभी भी यहाँ पे खट्टा है क्या नहीं, खोल है क्या नहीं देखते, मेरे को आगे भेज रहे हैं लोग। हमने एक प्लान बनाया है, ये बंदा जहाँ से गिरा ना वहाँ से नहीं जाने का, मस्त प्लान है। ये अभी एक वाटरफॉल हमारे आंखों के सामने मिला है, यहाँ से हमारा वाटरफॉल शुरू होता है और इसके हमको और आगे जाना है, पूरे कान्हे खंडी रूट पर सबसे बड़ा वाटरफॉल है भाई ये देखो भाई, हाँ हाँ हाँ, जूम कर देता हूँ भाई ये जगह। अरे रुको, तो ये इस ट्रिप का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये कितना ऊंचाई से वाटरफॉल पानी गिर रहा है, और यहाँ से देखा जाए ये देखिए यहाँ से पूरा पानी आ रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, पूरी फिसलन है इस वजह से, ये देखिए थोड़ा और आपको बताता हूँ आगे। ओहो, और ये पानी जो है कितना नीचे तक जाता है ये देखिए, ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये देखिए, महाराष्ट्र है भाई महाराष्ट्र, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरती है महाराष्ट्र। ये मेरे सामने इस वक्त एक एरिया दिख रहा है मुझे, गांव दिख रहा है, काफी ब्यूटीफुल है, पहाड़ पूरे जो है बादलों से ढक चुके हैं। ये जो मेरे सामने पहाड़ दिख रहा है वो कामशेप का पहाड़ है, और लोनावला के हाईवे से दिखता है वो, उस पर जो है कुछ क्या बोलते हैं उसको, पवन चक्की लगी है, विंड मिल्स कहते हैं उसे। Thank you.
चलो ऊपर। गिर रहे, गिर गिर। आप देख सकते हैं कितना संभल कर चलना पड़ रहा है, पत्थरों पर बहुत ज्यादा चिकनाई है, तो अगर आप ये लोकेशन पर जाते हैं तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहे, पत्थरों पर भाग दौड़ ना करे, बहुत ज्यादा चिकनाई है वहाँ पर। हिप हिप। और ये भाई गिरा बुड्ढा, देखो सुबह से मेरे गिरने की दुआ कर रहा था, बुड्ढा गिरा ऐसा गंदा, घुटने उठने सब जगह देखो देखो देखो, पिछवाड़ा देखो भाई, किसी के लिए कबर खोदे तो पहला आदमी खुद गिरता है। शालम हाथ मत दिखाओ, जरा नाचो, फिसलो ना यहाँ से, ला ले ला ले ला ले ला ले ला ले। अरे लगाओ डुबकी। डुबकी लगाने कैसे डर रहा हूँ। अरे भाई डुबकी लगाना है तो जल्दी लगा। देखो बुड्ढा पार चढ़ने जा रहा, बुड्ढे को चार सीढ़ियां चढ़ने नहीं होते घर के, बुड्ढा चार सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है बिल्डिंग के, बुड्ढा अभी पहाड़ पे से जो है फिसल के उतरेगा। देखो 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 मस्ती देखो बुड्ढे की, मस्ती देखो खाली बुड्ढे की मस्ती देखो। ए जल्दी उतर चल। अरे जल्दी उतर, कल सुबह पनवेल निकलना है। देख देख अभी वापस गिरा लेता, देख देख। ये देखो पक्का गिरने वाला है, अब ये मेरे को गिरा के इसको चैन मिला, मैं इसे गिराऊंगा।
वीडियो ले रहा हूं। गई भैंस पानी में सुना होगा, लेकिन गया बुड्ढा झरने में यह पहली बार देखने को मिला। हमारा वहां पर उतने हिस्से में वाटरफॉल के पानी में नहाते हो गया। सामने का नजारा बताना चाहूंगा मैं आपको। वाह 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 वाह, जो हरियाली है, सीधा ऐसा लग रहा है चटियल मैदान खेत पूरे और सिर्फ हरियाली है भाई। मतलब ऐसा लग रहा है हरियाली का गालीचा बिछा दिया खेत, ऐसा लग रहा है जमीन का गालीचा है। तो बहुत ही उम्दा और जबरदस्त लग रहा है। क्लाइमेट बोलते ना, मौसम है, बहुत ही अच्छी जगह है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं हम लोग ने वो पूरा पहाड़ चढ़ के ये यहाँ स्पॉट तक पहुंचे हैं ये झरने को देखने के लिए। मैं मेरे लिए नजरों को इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, जो पत्थरों से पटक के पानी जो गिर रहा है, हाँ ऐसा लग रहा है कि मतलब दूध गिर रहा है ऊपर से। तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। आप आएंगे तो संभाल के आइए, क्योंकि ये वाटरफॉल आपको ढूंढना पड़ेगा, ये जल्दी मिलेगा नहीं। एकदम गांव से अंदर से आपको आना पड़ता है। तो एंड में आपको गांव का नाम मैं बता दूंगा, गांव का नाम क्या है, और अभी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं किसी से पूछ लेता हूँ और यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ गांव का नाम क्या है। और हाँ, एक और जरूरी बात, पुसावले गांव में अगर आप अपनी गाड़ी लगा रहे हो और लोकल वहां पर आपसे पार्किंग के थोड़े बहुत पैसे मांगते हैं, तो उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। लोकल्स लोगों से हुज्जत करके टूरिस्ट लोगों का नुकसान ही होता है। तो ये था हमारा व्लॉग अबाउट द काने खंडी रोड एंड द प्लेसेस ऑफ वाटरफॉल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर कोई आपके फ्रेंड्स में वीकेंड का प्लान बनाने का इरादा कर रहे हो कहीं आउटिंग के लिए, और इसी तरह ट्रैवलिंग के और फूड ब्लॉगिंग के कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल्स देखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे गुड।